हेलो एवरीवन, आज का जो न्यू टॉपिक है श्री गदाधर आचार्य जनता कॉलेज रामबाग ब्यूटा कॉलेज के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, इस कॉलेज में यूजी पार्ट थर्ड 2019 से 22 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरा जा रहा है। वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं और लाइव भी दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, और जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उसे आप मोबाइल से भी फॉलो करके आसानी से फिलअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोग को नोटिस से रूबरू करा देना चाहता हूं, ताकि आप लोग जब ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरे तो आपके माइंड में डेट, आपका जो लास्ट डेट है वो भी आपको मालूम हो जाए। ठीक है, तो मैं एक बार नोटिस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज का नेम भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डेट भी आपका है कितने तारीख को नोटिस दिया गया है, और यहाँ पर देखिए पार्ट थर्ड 2019 से 22 है और इस वेबसाइट के जरिए होगा। लिंक भी मैं लिंक का भी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि कहाँ पे वो लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, आपका कॉलेज जो डेट जारी किया एडमिशन से रिलेटेड वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करते हैं एक न्यू वेबसाइट। न्यू वेबसाइट पे आप लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करके आपको कॉलेज सर्विस में जाना है। तो चलिए कॉलेज सर्विस में आ जाते हैं। कॉलेज सर्विस में आने के बाद आपको पटना वाले पे क्लिक कर लेना है। पटना पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप जीजे कॉलेज रामबाग बेटा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से हम लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, लिंक कहां पे मिलेगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस बोर्ड में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा बीए पार्ट थर्ड एडमिशन, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कैसा इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो चलिए क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर जो फॉर्म है इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रखा है, इसलिए मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड शो कर रहा होगा। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड करने का कहीं ऑप्शन नहीं, आप रजिस्टर्ड यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से सिर्फ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट जोन में जाना होगा। ठीक है, स्टूडेंट जोन में आने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे अपना जो रेफरेंस नंबर है, जब आप आपको मिला होगा रेफरेंस नंबर पार्ट थर्ड का, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, फिर सेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, इसके बाद साइनअप वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको क्या, यहाँ पे लॉगिन बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो लॉगिन, जो उसमें आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया उस ईमेल आईडी को, अब जो आपने पासवर्ड किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू इंटरफेस ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल में दिख रहा होगा आपका नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, आपका भी इसी तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होगा इस टाइप का। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडमिशन 2021 है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है, यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड का है 2019 से 22, अभी पार्ट थर्ड से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, जिस ऑनर्स से आप पार्ट थर्ड में एडमिशन लेना है उसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पर बीएससी वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, बीएससी वाले पे क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। चलिए हम लोग वन बाई वन करके हर एक डिटेल को हम लोग अब यहां से भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका नेम होगा, जो आपका पार्ट टू में जो जो डिटेल होगा, पार्ट टू में जो जो डिटेल होगा वही डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो आपका नेम यहाँ पे, फादर नेम, मदर नेम,
मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे फुल एड्रेस, यहाँ पे आपका नेशनलिटी रखना है, इंडियन नॉन इंडियन जो भी हो, आपका कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट होगा, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, बीसी, ईबीसी, ईबीसी को बीसी वन बोला जाता है, एससी एसटी, ठीक है। यहाँ पे अपना कास्ट आपको लिखना है, कास्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर, ठीक है। यहाँ पे आपका मैरिड अनमैरिड बताना है, आप मैरिड अनमैरिड हो बताना है। आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑनर्स पेपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये पार्ट थर्ड का फॉर्म है, तो पार्ट थर्ड में जितने भी सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और यहाँ पे ऑनर्स पेपर को रखा जाता है। तो यहाँ पे अपना ऑनर्स पेपर सिलेक्ट कर लीजिएगा, भाई मैंने बीएससी सिलेक्ट किया था, तो बीएससी में जो जो ऑनर्स होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिलेक्ट कर लीजिए अपना ऑनर्स। यहाँ पे लिटरेचर पेपर होता है, आप हिंदी इंग्लिश कितने मार्क्स का लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन यहाँ से पूछा जा रहा है। क्वालिफिकेशन में अपना कोर्स, ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्वेल्थ का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता पूछा जाए तो ट्वेल्थ का आपको पूरा डिटेल यहाँ पे आपको डालना है, सॉरी ट्वेल्थ का नहीं, आप पार्ट टू का इसमें पूरा डिटेल आप डालिएगा, ठीक है। पार्ट टू का अपना पूरा डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, कोर्स का नाम, ठीक है, ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का नाम, ठीक है, कॉलेज आई डी या रोल नंबर आपको डालना है, कॉलेज आई डी कार्ड का रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो पूरे डिटेल को आपको भरने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए पूरा डिटेल भरने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सेक्शन योग्यता है, ठीक है, अगर आप इसे फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो इसे भी इम्प्टी छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर का जो डिटेल है आपको 100% फिलअप करना होगा। अगर ऊपर का डिटेल आपने फिलअप नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं खाली रखता हूँ क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्म भरना, ठीक है, सॉरी। इससे ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये रो मुझे भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, साक्षी नियुक्ता वाला मैं नहीं भरूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा, मैंने सबमिट कर दिया था फॉर्म को, दिखेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। सबमिट होने के बाद जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके पेमेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहां से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई यहां पे लिखा हुआ है, तो मैं रिकमेंडेंट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड से ही क्रेडिट करें, जो डेबिट कार्ड से अपना पैसा को कॉलेज में जमा करें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट के पास तो खैर होता ही नहीं है, ठीक है। डेबिट कार्ड पे आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड लिखना है, अपना एक्सपायरी डेट लिखना है, और कार्ड के पीछे आपका सीवीवी नंबर रहता है, कार्ड पे आपका जो नेम होगा वो डाल सकते हैं, बैंक का नाम डालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पे नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो 2100 रुपया कॉलेज में जमा होने वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका फी रिसिप्ट मिलेगा, फी रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कॉलेज में आपको क्या करना है, जमा कर देना है, ठीक है। जो ना ये जो पैसा जमा करने के बाद आपको जो पेमेंट वाला रिसिप्ट मिलेगा उसे आपको क्या करना है, कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।